हजरात, ये इब्तदाई दौर के जो निजामत का सिलसिला था ये तकरीबन पूरा हो चुका है और आज के जो निजामत के फराइज अंजाम देंगे आलमी शोहरत याफ्ता शायर नाजिम मोहतरम फाखर अदीब साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि इस मुशायरे की बाकायदा कार्रवाई के लिए जहमत गवारा करें और माइक पर आकर इस मुशायरे का बाकायदा आगाज फरमाएं। जनाब फाखर अदीब साहब। गुलाबी शबनमी सपनों के साये में बसर कर लें, गुलाबी शबनमी सपनों के साये में बसर कर लें, चलो इस रात को फूलों के साये में बसर कर लें। भजन मीरा के हों या मीर की गजलों की खुशबू हो, मोहब्बत के हसीन लम्हों के साये में बसर कर लें। मोहब्बत जो खुदा का पैगाम है, मोहब्बत जो आसमान से जमीन पर 1,24,000 मरतबा उतारी गई, मोहब्बत जो सुलगते हुए सहराओं में लैला का गम बनकर भटकी, मोहब्बत जो अर्जुन के कमान पर चढ़े हुए तीरों को शर्मिंदा कर गई, मोहब्बत जो शबरी के चखे हुए बेरों को अजमत दे गई, मोहब्बत जब अपने कमाल को पहुंची तो नूर के कलम से आसमान पर यह लिखा गया कि एक शब हुस्न को अफलाक बुला ही लिया गया। दोस्तों, वही मोहब्बत आज गजल का चराग लेकर आपसे ये कहने आई है कि जो कुछ भी हिंदी में लिखा उर्दू में महसूस किया, जो कुछ भी हिंदी में लिखा उर्दू में महसूस किया, हमने हिंदुस्तान गजल की खुशबू में महसूस किया। दोस्तान अदब, ये बड़ी अजीम शान महफिल मुशायरा जो हिंदुस्तान के मशाहिर शोरा हजरात की फहरिस्त से आरास्ता है, आप तमाम हजरात के हुस्न समात पर दस्तक दे रही है। अजीजान अदब, गजल एक ऐसी सिंफ है कि जिसने हर दौर में अपनी अदबी, सियासी और समाजी जिम्मेदारियों को पूरा किया। गजल जिंदगी के हर गोशे और हर मोड़ पर इंसान को एक खूबसूरत सोच से आरास्ता करती है। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समुंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी। एक बेवा के सिवा कौन समझ सकता है, टूट कर चूड़ियां लगती है कलाई कैसी। हजरात, आपकी बस्ती से गुजरेगी गजल आज की रात, आपकी बस्ती से गुजरेगी गजल आज की रात, खिल ही जाएंगे ख्यालों के कवन आज की रात। कुछ की पलकों पर तमन्नाएं झील मिलाएंगी, कुछ को याद आएगा गुजरा हुआ कल आज की रात। आइए मुशायरे के आगाजी पहलू की जानिब चलते हैं। इससे कबल के आज के नाजिम आपके रूबरू फिर से तशरीफ लाएं, मुझे हुक्म हुआ कि उस्ताद गिरामी वकार MGMPG कॉलेज संभल में उर्दू शोबे के सदर और रिसाई अदब पर बेहतरीन और बहुत उम्दा काम करने वाली शख्सियत अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के सदर प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब से दरख्वास्त की जाए कि वो संभल में मुशायरों की रिवायत और इन मुशायरों से होने वाले फायदों पर अपने खूबसूरत लबो लहजे में इजहार ख्याल फरमाएं। प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शफीकुर्रहमान बरकाती साहब, आज के इस खूबसूरत महफिल के सदर जनाब सुल्तान मोहम्मद कां कलीम साहब, हमारे हिंदुस्तान में शेर व अदब की आबरू और जिनके शेरों पर हम जैसे कम इल्म अफराद सर धुनते हैं, रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए, ऐसे अशार के खालिक जनाब अजहर इनायती साहब, मोहतरम शकील गौस साहब,
मेरे भाई और हिंदुस्तान भर में मुशायरों के ज़रिए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का परचम बुलंद करने वाले डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, मेरे हमवतन और मेरे छोटे भाई लेकिन इल्म व फ़ज़ल में बहुत बड़े हुए डॉक्टर उमर मंजर साहब, आज की इस खूबसूरत महफिल के नाज़िम और हमारे शहर की आबरू, हमारे ही कॉलेज के एक बावकार तालिबे इल्म जो हिंदुस्तान भर में संभल का नाम रोशन किए हुए हैं और हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं, डॉक्टर तारिक अमर साहब। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे हुक्म हुआ है कि यहाँ की मुशायरों की रवायत पर कुछ चंद जुमले जो है कहूँ। असल में मगरबी उत्तर प्रदेश का ये इलाका जिसे रुहेलखंड कहा जाता है, जब अदबी विसात दिल्ली से उजड़ रही थी और लखनऊ अपना एक तशख्स जो है कायम कर रहा था, उस दरमियान अपनी अदबी रवायत को कुछ अलग अंदाज से दबिस्तान रामपुर ने जो है पेश किया। ये संभल इसी खित्ते रुहेलखंड का वो तारीखी शहर है जहां पर कुरान मजीद की पहली उर्दू तफसीर लिखी गई। ये अलग बात है कि साहेबान नजर ने शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कुरान पाक को पहला उर्दू का तर्जमा करार दिया, लेकिन प्रोफेसर महमूद इलाही ने इस पर तहकीक की और यह साबित किया कि संभल के सफूत शाह मुरादुल्लाह अंसारी ने सबसे पहले जो है कुरान की तफसीर उर्दू में लिखी। यह वो शहर है जहां शाह हातिम के मदरसे में मुगल पीरियड का सबसे अजीम मुअर्रिख मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी तालीम हासिल करता है और मुंतखब तवारीख में जो जुमले उन्होंने महफूज कर दिए हैं वो संभल की इल्मी व अदबी हैसियत को बताने के लिए काफ़ी है। रामपुर जब गहवारा इल्म व अदब बना तो हकीम कबीर संभली और जो दूसरे दो शुरा जो फारसी और उर्दू के बहुत बड़े बड़े जो है शुरा थे वो रामपुर में गए और बहुत से हमारे ऐसे शुरा जो संभल से गए उन्हें तारीख ने रामपुरी लिख दिया। जैसे अंदलीब शादानी संभल के रहने वाले थे लेकिन आम तौर से लोग उन्हें रामपुर का समझते हैं। यह अदबी रवायत रामपुर में जब दाग की उस जबानदानी के हवाले से पूरी दुनिया में उर्दू का परचम बुलंद किए हुए थे और दाग जहां सबको ये पैगाम दे रहे थे कि सारे जहां में धूम हमारी जबां की है, उस वक्त संभल के सपूतों ने उनसे कस्बे इल्म किया, रुमूज़े फ़न सीखा और यहाँ पर बाग संभली ने एक ऐसा शजर लगाया कि उसका सिलसिला अब्र के तवस्सुत से, मोजी संभली के तवस्सुत से, एजाज वारसी के तवस्सुत से इस तरह लगा हुआ है कि बहुत कम शहर ऐसे होंगे जहाँ आज भी मुशायरे की इतनी मजबूत रवायत कायम दायम है। मैं बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं आजमगढ़ का रहने वाला, लेकिन 23 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो इस शहर ने जो मोहब्बत दी और मेरे दिमाग पर जो है इस तरह ये शहर छाया कि मैं इसे मोहब्बत का शहर कहता हूँ। यहाँ के लोगों ने जिस तरह अपने खुलूस का मुजाहरा किया और जिस तरह यहाँ नवाजते हैं वो बहुत कम शहरों में देखा जाता है। इल्म अदब का चिराग यहाँ पर हमेशा जो है जलता रहा और जब सादत अली सिद्दीकी मरहूम यहाँ पे आए तो उन्होंने जो यहाँ अदबी जमूद था उसे तोड़ने की कोशिश की और नई नस्ल को, चाहे वो शेर व सुखन के हवाले से हो या नसर के हवाले से, इतना उन्होंने काम किया कि उनके इंतकाल के बाद जब मैं
उनका नायब बनकर इस कॉलेज में आया, तो फिर उसके बाद लगभग उनके इंतकाल से और मेरे तकर्री में 6 साल का अरसा था, लेकिन कॉलेज में कुल 1200 स्टूडेंट थे और सादत साहब मरहूम की कोशिशों से सिर्फ 600 स्टूडेंट जो उर्दू के थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कॉलेज में जब मैं प्रिंसिपल बना तो मैंने 2 और जो है टीचर को गवर्नमेंट से कोशिश करके जो है मांगा, और 2 और मेरे साथी मेरे साथ जो है काम कर रहे हैं। लगभग 3000 के स्टूडेंट में 1300 बच्चे जो है उर्दू के हैं, जो यूजी से लेकर रिसर्च तक जो है वो काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इस कसमपुरसी के ज़माने में जहां उर्दू का रोना रोया जाता है, हमने अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के ज़रिए, जिसके सरपरस्त हमारे बड़े भाई जनाब मुशीर खां तरीन साहब, हमारे बड़े भाई जनाब सैयद हुसैन अफसर साहब, डॉक्टर नसीमुज़फ़र साहब, जनाब सुल्तान मोहम्मद खां कलीम साहब और जनाब वक़ार रोमानी साहब हैं, इन लोगों की, इन बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में हमने ज़मीन पर जो है काम करने की कोशिश की। हम यहाँ के इंटर कॉलेजेस में और दूसरे मदारिस में जा कर के हमने जो है उन बच्चों को जोड़ा है, और उन बच्चों के ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नई नस्ल के ज़रिए उर्दू का चिराग जो है रोशन करें। इसलिए कि हमारी वो रिवायत जो घरों में जो है उर्दू तालीम की थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम इनके बीच अगर जाएंगे तो हम उर्दू के लिए बेहतर कर सकेंगे। मुशायरे की जहाँ तक रिवायत है, शायद उर्दू की इस कसमपुरसी के ज़माने में ये वाहिद रास्ता है जो हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दे रहा है। यही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए हम उर्दू के तहजीबी शऊर से जो है वाकिफ हो रहे हैं। यहाँ बहुत मजबूत रिवायत रही है, और मैं बहुत कुछ सोच के आया था बोलने के लिए, और मैं सोच रहा था शायद 9 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाए और हमें जो है वक्त मुकर्रा पर इंशाल्लाह जो है प्रोग्राम को ख़त्म कर देना है, मुशायरे को ख़त्म कर देना है। इसलिए जो है मैं आज के इस प्रोग्राम के रूह रवान जनाब सैयद हुसैन अफसर साहब, मुशीर भाई और मेरे छोटे भाई जनाब ओएस संभली साहब, जो हमारे इस शहर संभल की एक इल्मी खानवादे की जो है विरासत हैं, और वो अपनी सहाफत के ज़रिए, अपनी नसर के ज़रिए जो काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से वो जो है हर साल कोशिश करते हैं कि अपने शहर में लौट के आएँ और लोगों को जो है वो मुशायरों की उस रवायत को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आमादा करते रहें। इसलिए कि ये वो शहर है जहां वसीम बरेलवी ने आकर के अपना कैरियर शुरू किया था, ये वो शहर है जहां यूसुफ खान दिलीप कुमार को जो है यहां के शायकीन ने बुलाया और वो यहां पे तशरीफ़ ले आए। तो इस शहर की रवायत पे अगर बात की जाए तो बहुत कुछ जो है मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम सब जो है अपने इन मुअज्जज जो है शुअरा को सुनने के लिए आए हैं, और मैं समझता हूं कि इस तरह का स्टेज जो है हमारे मुशायरों में बहुत कम जो है नसीब होता है। इसलिए कि जो स्टेज पे शुअरा आते हैं 80% मुतशायर होते हैं और 20% शायर, वो आकर के अपने आप को जो है ठगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ओएस संभली साहब को, बड़े एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस वक्त स्टेज पे जो बैठे हैं वो सब जो है शायर हैं, उनसे जो है आप शेर सुनिए। मैं फिर जो है आप सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है वो बिल्कुल इख्तिताम तक जो है बैठें। आप देखिए जो है किस तरह के शेर जो है, और ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे दरमियान यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको सुनने के लिए लोग जो है तरसते हैं। तो मैं फिर जो है शुक्रिया अदा करता हूँ उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का, एहसास फाउंडेशन का, कि उन्होंने ये जो है खूबसूरत महफिल सजाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजरीन, डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी साहब ने उर्दू से मुतालिक बड़ी जामे गुफ्तगू की, और नहायत खुशी का मकाम है कि उनकी ज़िंदगी का मजीद हिस्सा इस अमल में गया। आपकी तालियां, आपकी दादो तहसीन इस बात की गमाज है कि आपका दयार में जो कोई आए, जैसे इस वक्त उर्दू का तालिब इल्म फ़ाखिर अदीब, आप तमाम को डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के आईने में इस तरह सलाम करना चाहता है कि नसीब जिसको तुम्हारा ये प्यार हो जाए, नसीब जिसको तुम्हारा ये प्यार हो जाए,
तो उस पे कोई भी मुश्किल गुजर नहीं सकती। अगर तुम्हारी मोहब्बत का यही हाल रहा, कसम खुदा की उर्दू भी मर नहीं सकती। आइए हाजरीन, बार बार ये तकाजा सामने आ रहा है कि मुशायरे के लिए वक्त मुख्तसर है, 1 बजे हमें इस मुशायरे को मुकम्मल करना है। उससे मुतालिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका दायरा हमें समेटना होगा। आइए शुरू करता हूँ नाम लेकर उसका जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। जबर का दीने मोहम्मद पर गलत इल्ज़ाम है, जबर का दीने मोहम्मद पर गलत इल्ज़ाम है, जिसकी जानिब खुद बढ़े इंसान वो इस्लाम है। अव्वली खैरुल बशर और आखिरी खैरुल बशर, एक हसी आगाज का कैसा हसी अंजाम है। मेरे दी की आज तक दुश्मन रही दुनिया मगर, मेरे दी की आज तक दुश्मन रही दुनिया मगर, कल भी वो नाकाम थी और आज भी नाकाम है। आइए हजरात, इस बज्म का बाबरकत और खूबसूरत आगाज करने के लिए मैं आपके दयार के एक बहुत मोतबर मारूफ और मोहतरम फनकार के हुजूर जाना चाहता हूँ, जिन्हें दुनिया अदब मुजम्मिल खां मुजम्मिल के नाम से जानती है। आप यकीन जानिए, मुजम्मिल साहब के बहुत सारे नात और हमद के अशार हैं जो पूरी उर्दू दुनिया में आपके दयार की नुमाइंदगी करते हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम से जनाब मुजम्मिल खां मुजम्मिल से दरख्वास्त गुजार हूँ, बराए करम तशरीफ लाएं और हमद बारी ताला से इस मुशायरे का आगाज करें। माइक पर जनाब मुजम्मिल खां मुजम्मिल साहिब, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि बारगाह खुदावंदी के आदाब इख्तियार फरमाए। वो जिक्र मकद्दस शुरू होने को है जिसके कुछ आदाब होते हैं। जनाब मुजम्मिल साहब, मतलब पढ़ी तू जुबानु खुशबूदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कला मी पाकू पढ़ी तो बयान खुशबू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुने जुतर जु मौसुका बयान खुशबू, खुदा ने ऐसा मुअत्तर किया है कुरान को, क्या खूबसूरत मिसरा है सुभान अल्लाह, खुदा ने ऐसा मुअत्तर मकाम में पढ़ो वो मकाम, क्या कहने मतलब भाई, वाह 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 सुभान के जिस मकाम में पढ़ो वो मकाम
खुशबू दिलो को रोशनी मिलती है हम दीपारी से बेशक 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 दिलो को रोशनी मिलती है हम दीपारी से ये जिक्र वो है जमीन आसमानु खुशबू बहुत मारूफ शेर है आपका ये क्या कह रहे हैं सुभान ये जिक्र वो है जमीन आसमानु खुशबू सुभान और आखिर शेर पेश करना मुलाज़िम जी नहीं बुलंद जब हो फजाओ तकबीर बुलंद जब हो फजाओं में नारे तकबीर जमीन पे फूल खिले सुमानु खुशबू सुभान क्या खूबसूरत शेर बुलंद जब हो फजाओं में नारे तकबीर क्या बात जमीन पे फूल खिले आसमानु खुशबू खुदा सदाए मुजम्मिल को खुदा सदाए मुजम्मिल को बाख्शु ऐसा सूर समातों में उतर कर अजानु खुशबू दे क्या खूबसूरत वाह 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 समातों में उतर कर अजानु खुशबू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत मुशायरे का बाबरकत आगाज जनाबे मुजम्मिल खान मुजम्मिल साहब की इस खूबसूरत और मुकद्दस कलाम से आप तक पहुंचा वो आसमान से उतरा किताब की सूरत वो आसमान से उतरा किताब की सूरत जमीन पे फैल गया इनकलाब की सूरत बहुत ही खूबसूरत तासुर यहाँ पर मोहतरम मुजम्मिल साहब के जरिए आइए यहाँ से हम वादी गजल की जानिब चलते हैं ये उर्दू का वो फुकदानी माहौल है वैसे मैं आपसे इतना अर्ज कर दूं उर्दू का ये फुकदानी दौर है एक साहब ने अपने दोस्त को फोन किया कि मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया उन्हें क्या बीमारी थी तो दोस्त ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया कि ज़ईफुल उम्री से बड़ी क्या बीमारी होती है इसी में उनका इंतकाल हो गया तो वो साहब बोले कि यार ये ज़ईफुल उम्री जो है ये बड़ी खतरनाक बीमारी चली है पिछले हफ्ते मेरे छोटे बच्चे को हो गई थी बड़ी मुश्किल से बचा
तो ये उतार चढ़ाव हैं हमारे माहौल के, मुशायरों के। बड़ा हैरान कुन माहौल था। मुशायरे की शुरुआत गजल की एक मजजूब अदब से हुई। अल्लाह इन्हें भी अपने अमान में रखे और हमारी तरफ भी देखे। आइए गजल के उसी माहौल में फिर लेकर चलता हूँ जहाँ से डॉक्टर राही मासूम रजा की आवाज आ रही है कि हमसे जो छूट गए अब वो जहाँ कैसे हैं, हमसे जो छूट गए अब वो जहाँ कैसे हैं, बागो गुल कैसे हैं, खुशबू के मका कैसे हैं, ऐ सबा तू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशा कैसे हैं। दोस्ताने अदब बड़ी कीमती बज्म है जहाँ आबरू गजल अजहर इनायती साहब, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, तारिक कमर जैसी शख्सियत जिसका ताल्लुक तो आपके दयार से है लेकिन पूरी दुनिया में, दुनिया के नक्शे पे मौजूदा दौर में संभल को शराफ़ करने वाली शख्सियत तारिक कमर साहब है। दीगर बहुत सारे हमारे अजीजाने अदब यहाँ तशरीफ फरमा है। आइए हम और आप मिलकर फिर इन बेतरतीब लम्हात को तरतीब में लेके आए। और मैं इस वक्त एक ऐसे शायर की कुर्बानी चाहता हूँ, वैसे अभी बकरीद बहुत दूर है लेकिन जरूरत महसूस कर रहा हूँ कि जो एकदम एक लम्हे में आपसे उस मुशायरे के उसी माहौल को वाबस्ता कर दे जो काफी वक्त के बाद आता है। कृष्ण बिहारी नूर ने गजल के जादू का जिक्र किया है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। उसी गजल के लिए उसी दयार की जानिब मेरा रुख है। मैं जनाब ताबिश लखनवी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए करम तशरीफ लाए, इस वक्त उनकी सख्त जरूरत है। ये लम्हात उनके लिए, चाहे वो उसको जहमत महसूस करे लेकिन उनका वलवला अंगेज लहजा और खूबसूरत गजल इस वक्त की जरूरत है। जोरदार तालियों से अपने मेहमान का इस्तकबाल करें।